दीपिका पादुकोण की फिल्म पद्मावत के बाद अब सिद्धार्थ मल्होत्रा और मनोज बाजपेयी की फिल्म अय्यारी की रिलीज डेट के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। फिल्म सेंसर बोर्ड के टेबल पर पड़ी है। दरअसल फिल्म सेना के पृष्ठभूमि पर आधारित है, इसलिए रक्षा मंत्रालय फिल्म की समीक्षा करना चाहता है। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक टीम तैयार की जाएगी, जिसका काम होगा अय्यारी फिल्म देखना और रिलीज के लिए अनुमति देना। इस मसले पर अय्यारी टीम के लीड किरदार निभाने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा, हमारे निर्माता इसका सामना कर रहे हैं, ये प्रक्रिया है, प्रत्येक फिल्म की अलग अलग वजह है। हमने देखा कि फिल्म पद्मावत के साथ क्या हुआ। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए सिद्धार्थ ने कहा कि निर्माता के साथ बातचीत के बाद जहां तक मैं जानता हूं, हमारी फिल्म में गंभीर मुद्दे नहीं हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे निर्माताओं को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, इसलिए मुझे इसमें कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही। मुझे उम्मीद है कि हमारी फिल्म शांति से रिलीज होगी। ये फिल्म मोशन पिक्चर कैपिटल द्वारा निर्मित की गई है और फिल्म का निर्देशक नीरज पांडे ने किया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और मनोज बाजपेयी के अलावा फिल्म में अनुपम खेर, नसीरुद्दीन शाह, रकुलप्रीत सिंह और पूजा चोपड़ा जैसे सितारे प्रमुख भूमिकाओं में हैं। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।